आज जो यहां पर गेस्ट है अभी बैक स्टेज में उनकी जो एज है वो ऑलमोस्ट आप लोगों की एज के बराबर है लेकिन उनके जो सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे वो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा है सो लेट्स गेव एन एनर्जेटिक एंड वॉर्म वेलकम टू द वन एंड ओनली शोभित निर्वाण शो विद्लीज एक्स सर मैंने अपनी इलेवन ट्वेल्थ कोटा से करी है जे की तैयारी जो करी थी और उस समय करी थी जब स्मार्टफोन इतने बच्चों के हाथ में नहीं थे कॉमन तो हमारे पूरे हॉस्टल में ना सिर्फ दो तीन ही बच्चे होते थे जिनके पास स्मार्टफोन होता था तो अगर हमें कोई सर की वीडियो देखनी है कोई और मोटिवेशनल या कोई पढ़ाई की वीडियो देखनी है तो उनसे मांगना होता है पर अगर हम उनसे ये बोल के मांगे कि हमें मोटिवेशनल वीडियो देखनी है पढ़ाई की देखनी तो वो नहीं देंगे क्योंकि भाई सामने वाले की तरक्की किसको अच्छी लगती है तो हमें उनसे ये बोल के लेना पड़ता था कि यार मेरे को गेम खेलना है या मेरे को मूवी देखनी है तो दे दे तो मैं उनसे बोलता था कि यार मेरे को गेम खेलना है फ़ोन दे दे तो मेरे को फोन दे देते थे, थे अब ऐसा रहता था कि मैं एक टैब में तो आपकी वीडियो चल रही है और एक टैब में गेम चला रखा है मैंने कि अगर वो आ गया तो मैं टैब स्विच कर लूँ तो अब सीनैरियो देखो कैसा चलता था एक तरफ चल रहा है आसान है वो आ गया हाँ भाई आसान है मार 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 <laughs> सर <सर्फ> मजाक से हटके <laughs> मतलब जो इम्पैक्ट आपने हम जैसे बच्चों पे और बाकी करोड़ों बच्चों पे डाला है ना उसके लिए थैंक यू तो मतलब बहुत छोटा सा वर्ड है सल्यूट है सर लव यू सर मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी उसमें से फेवरेट कौन सी है आपकी सर आपकी एक टेन बिजनेस वाली सीरीज है जिसमें 10 11 वीडियोस हैं वो मेरे को बहुत क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली से मैं आता हूँ जिसमें कि सब जॉब वाले हैं है ना कहीं की सरकारी जॉब है तो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है पर मैं इस चीज में घुसा तो मेरे को कोई ऐसा चाहिए था जो मेरे को कुछ कुछ चीजें बता पाए एक वीडियो थी आपकी उसमें आपने बोला था कि सामने वाले आपको एक रुपया भी दे रहा है ना तो उसको काम एक लाख का करके दो ये लाइन बहुत ज्यादा मेरे को इंपैक्ट करी मैंने स्टूडियो के सामने ऐसे लिख ली थी कि यार बच्चों से मैं एक भी रुपया नहीं ले रहा हूँ पर उनको काम ऐसा करके दूंगा फिर मैंने एक आई लिया उस पर इलिस्ट्रेशन वाली पूरे नोट्स मैं खुद बैठ बैठ के वो नोट्स को बनाता था तो वो इस समय काफी बच्चे उसको यूज करते हैं कोई बच्चा कमेंट में लिखता है ना सर नहीं यार मैं भैया ही सही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अमन धतरवाल से काफी इंस्पायर्ड क्योंकि अमन को भी लोग भैया से कर रहे हैं आप उनकी है। क्लास ट्वेल्थ और कॉलेज उससे मैं थोड़ी छोटी क्लासेस क्लास टेंथ हो गई इलेवंथ हो गए इसमें ज्यादा फोकस रखता हूँ तो वही उनको भी सब भैया कहते हैं मेरे कॉलेज में बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि तेरी तो रहमद तू शादी नहीं हो पाएगी तेरा तो जगत भैया आई थिंक आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं ना यहाँ पर जी, जी। नमस्कार जी आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर आ करके सर आज इतना अच्छा कर रहे हैं सुनना इस टाइम अच्छा। <laughs> <नहीं laughs> मतलब यकीन ही नहीं होता है कि यकीन नहीं ये होता कहां, क्या मतलब मैं अभी ऐसा सोचा ही आ, ही नहीं होता। आते हुए इसको कहती शोभित मेरी फोटो खिंचाना सर के साथ आइए ना आइए आइए अरे प्लीज आइए ना एक बार आप लोग आइए आइए आपके ब्रदर भी है आप पूरी फैमिली एक बार आ जाइए नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी आप क्योंकि फोर्थ ईयर में हो हुँ. तो क्या कभी ये माइंड में थॉट नहीं आता है कि अब पढ़ाई छोड़ दूं और फुल टाइम यूट्यूब कर लूं उसी के लिए लड़ाई हुई थी जो घर पे हुई थी ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में जब मैं घर आ गया था तो उस समय इतना मैं करने लग गया था कि यार मैं प्लेसमेंट तो छोड़ सकता हूँ इतनी जितनी मैक्सिमम लग रही है उतना मैं महीने में ले आ रहा था तो मैंने पापा को वही चीज़ समझाई फिर उसके बाद पापा ने कहा ये सब चीज़ें मत दिमाग में ला पढ़ाई तो कम्प्लीट कर जॉब लगेगी नहीं तो शादी कैसे होगी ये चीज़ें बोली फिर मेरा काउंटर कुछ क्वेश्चन करे तो तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख हुई चार साल अभी भी ऐसा ही है मतलब मैं घर पे आके बोलता हूँ बाबा मन नहीं कर रहा तो कहते हैं कोई बात नहीं तो डिग्री लेके आ जा मैंने बोला सर ने भी लास्ट ईयर में ड्रॉप कर दिया था

क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन भैया से है कि भैया आप जब सब्सक्राइबर थे तब से मैंने आपको देखना करा और, अब तक आप और वीडियो डालते रहे और इंस्पायर करते रहे यूथ मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा हाथ रहेगा वो रहेगा मम्मी पापा का यही है जो कहते हैं नहीं नहीं बस में जा क्या ज्यादा हीरो बन गया कैब करेगा यही है जो कहते है नहीं ऑटो में साथ में बैठ एक चीज है जब मैं कॉलेज छोड़ने की सोच रहा था उस समय मैंने काफी और चीजें दिमाग में रखी कि यार मैंने काफी फाउंडर से बात करी तो उन्होंने ये बोला कि यार शोभित तू ठीक है छोड़ दे पर तू अपनी रूट्स को जब भूल जाएगा ना और तू सोचेगा कि मैं अब ऊपर लेवल पे चला गया हूँ और मान ले एक परसेंट कभी वापस हम नीचे आने वाले लेवल पे आ गए तो फिर ये साथ वाले दोस्त नहीं रहेंगे तेरे को जो जमीन पे रखेंगे ना पेरेंट्स है रिश्तेदार है या फिर भाई बहन है ये सभी रखेंगे तो कोशिश ये रखो कि यार जो भी चीजें हैं वो डिस्कस करते रहो आप अपने पेरेंट्स से और कोई और वेल विशर है जो आपको लगता है कि यार ये मेंटर है तो उनके साथ कनेक्टेड रहो वो हमेशा हर पॉइंट पे कहेंगे कि यार नहीं नहीं तू नीचे रह नीचे रह मैं एक पॉइंट पे अभी आ, सेमिनार के लिए गया था तो मैंने कहा पापा वो थोड़ा सा मेरे को ना ऐसे फील होता है कुछ बॉडी रख लेते हैं <laughs> <laughs> तो पापा ने कहा हम हैं साथ में हम बचा लेंगे कुछ होगा तो तो वही है कि कोई 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 पॉइंट पर अगर तुम्हें ऐसा घमंड वाली फीलिंग आ रही होती है ना तो जो आस वाले लोग हैं वो नीचे कर देंगे यही पॉइंट है जो साथ में रहता है भैया आपकी बुक समरीज की वीडियोस बहुत अच्छी होती है so और उसके क्रिएटिव उसमें क्रिएटिविटी क्या तगड़ी होती है हाँ। तो हम अपने क्रिएटिविटी या स्टोरी टेलिंग पे कैसे काम कर सकते हैं इसमें मैं वापस मैं कह रहा ना मैं सर की बहुत वीडियोस देखता हूँ जो बिजनेस वाली है तो सर ने एक वीडियो थी जिसमें बोला था कि यार एक लेवल पे आप स्टिक हो गए हो और आपको ऊपर जाना है तो ये नहीं कि जितना आ रहा है प्रॉफिट अपनी जेब में रख के निकल गए वापस बिजनेस पे भी लगाओ ये चीज देख के मेरे दिमाग में आया कि यार मैं सिर्फ फोन से शूट कर रहा हूं ऐसा करता हूँ इसको ऑपरेट करता हूँ फिर मैंने कुछ कुछ कैमराज लिए लाइटिंग सही करी थोड़ा सा स्टूडियो और सेटअप करा मेरा भाई बैठा है मेरे को कुछ नहीं आता कैमरे के बारे में अब जो भी आप वीडियोस देखते हो चैनल पे उसमें सारा काम ये होता है वैकेंड पे मेरी सिर्फ शक्ल लगी होती है आगे तो मैंने सारा काम कह दिया मैंने कहा भाई तू संभाल कैमरा सीखना है तू सीख जो कैमरा तू कहेगा कौन सा तेरे को लेंस चाहिए कितना ही महंगा हो वो आ जाएगा ये पहली चीज है अगर आपको क्वालिटी लेवल अप करना है क्रिएटिव रहने के लिए जितना आप अकेला रह सकते हो काफी मैंने देखा है ऑफिस में जाता हूँ तो वॉशरूम के सामने लिखा होता है वॉशरूम नहीं लिखा होता है लिखा होता है कि थिंकिंग स्पेस इस तरह के क्योंकि हम उस समय खाली होते हैं हमारे सामने कोई मोबाइल या कुछ नहीं होता तो अगर आप दिन में एक डेढ़ घंटा ऐसा निकाल रहे हो जिसमें आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है जब आप किसी और डिवाइस के साथ में नहीं होते ना तो आपका दिमाग और चल रहा होता है अगला क्या लाऊं अगला क्या लाऊं उसने ऐसा कर दिया इससे अच्छा कैसे ला सकता हूं तो इस तरह से अपने आप से जितना डेवलप करनी है कुछ सोचना है कुछ ऐसा जो हो वन पॉइंटेड हो फोकस्ड हो, हो तब जा करके वहां से क्रिएटिविटी पैदा होने लग जाती है क्रिएटिविटी मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कुछ ऐसा कर दोगे जो आज से पहले दुनिया में हुआ ही नहीं है होता वही है जो हुआ है बस थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है जैसे आज की डेट में जो लगेज होता है उसके नीचे छोटे छोटे टायर लगे होते हैं तो टायर पहले भी थे लगेज पहले भी था बट किसी के माइंड में क्या आया कि क्या हो अगर उस टायर को छोटा करके लगेज के नीचे लगा दिया जाए तो कन्वीनियंट हो जाएगा प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन उससे पहले उसके माइंड में क्या आया होगा कि प्रॉब्लम है इतनी भारी बैग को उठा करके घूमना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना क्रिएटिविटी है तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलता है जब वन पॉइंटेड आप उसके साथ ठहर पाते हो सर आई वुड नॉट कॉल यू भैया उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी भैया तो मैं नहीं बोलूँगी okay? <laughs> <laughs> आप बोलो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है लाइक एट दी एज ऑफ ट्वेंटी आप में से सिर्फ एक साल बड़े हो जस्ट एक साल एंड यू आर अर्निंग इन सेवन फिगर्स लाइक आपके पास नेम फेम सक्सेस पैसा जो हमारा क्वेश्चन होता है कि लाइक like, पैसा 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 हमारे टाइम में वही होता है कि हमें बस अर्निंग चाहिए अर्निंग चाहिए अर्निंग चाहिए आपके तो आ चुकी अब कुछ बचा है अब जो मेन फोकस है वो कमाई पे तो नहीं है कि यार और ज्यादा कमा लो और ज्यादा कमा लो ठीक है जितना आ रहा है मेरा ये होता है कि एक तो स्पॉन्सरशिप है एक है यूट्यूब का एड रेवेन्यू जो कि थोड़ा कम लेवल पे होता है वो जितना आ रहा है वो वापस लग जाता है मतलब उसको मैं अपने खर्चे के लिए यूज नहीं करता अपने खर्चे के लिए हम और जो चीज़ें स्पॉन्सरशिप वगैरह होगी उसका पैसा हम यूज कर लेते हैं तो यूट्यूब का जो आ रहा है वो वापस हम लगा देते हैं बाकी दूसरा मेरा ये गोल है जैसे आ, जो मीटअप हम कर रहे हैं ऑल इंडिया मीटअप जो कर रहे हैं वो अभी तो इलेवन सिटीज तक करा है अब मैं चाहता हूँ और और जितने ज़्यादा बच्चों से मिल सकता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे क्या होता है ना सर मतलब वो कनेक्शन नहीं होता ठीक है हम कैमरे पे बोल रहे हैं आगे बच्चे कमेंट कर रहे हैं पर पता नहीं होता वो कमेंट बच्चे ही कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी ने बिठा रखा है कि इसको गालियां दे दो <laughs> तो वो ऐसा भी होता है स्पैम होते, हैं।, है। है। वो मेरे को नहीं पता चलता तो अभी जब मैं बच्चों से मिला ना एक जगह थे कोटा में हम गए थे जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा हूं, उन्होंने ही मेरे को करा कि आप आके बोलो तो वहां पे अराउंड तीन बच्चे थे तो वहां पे जो लेवल जो मिलाना वो पैसों से नहीं मिल सकता मेरा ये मानना है तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ और जैसे सर ने सेशंस करते हैं ऐसे ही मैं चाहता हूँ और बच्चों से हम जा जाके मिलें अब और बड़े लेवल पे करने की सोच रहे हैं और अब तो बच्चा कुछ आप यहाँ पर भी आ गए <laughs> अब तो मेरे को नहीं पता इससे ऊपर और क्या रह गया आपके ये सबसे ऊपर है मेरे लिए तो मजाक <laughs> कर रहा था नहीं आप नहीं, सर एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिप्लाई आ जाएगा मैंने तो जैसे बोला ना कि सर ने वीडियो डाली मैंने कहा यार करें ना करें फिर मैंने कहा मेल डालने में कौन सा पैसा लगता है डाल देते हैं मेल तो फिर मेल डाल दिए रिप्लाई आ गया वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई मेरे को एक साल हो गई क्या कहते हैं ट्वेल्थ करे हुए मुझे अभी तक कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ लाइफ में आगे अगर कोई मैं दंगल फिल्म देख लेता हूँ तो मन करता है कि कुश्ती चालू कर दो यार विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देख लेता हूँ तो मन करता है डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दो इसमें पैसा है आपकी वीडियो देख लेता हूँ तो फोटोग्राफी लग जाता है फोटोग्राफी कर लेता हूँ आप बताओ करूँ क्या मैं बेस्ट है कुछ मत करो <laughs> कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में होने चाहिए जो कुछ ना करे मस्त रहो आप कुछ कहना चाहेंगे इनको कौन से देख तो स्ट्रीम से आपने करी है आर्ट से आर्ट से करी है तो <laughs> इस पे क्यों हंसी <laughs> आई है मेरे को समझ कॉलेज क्यों नहीं कर रहे आप बीए कर रहा हूं बीए क्या कर रहे हो बीए 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 कर रहे हो ना वो तो ऐसी है ऐसे बीए कर रहा हूं लेकिन वो तो ऐसे ही है वो तो आजकल इंडिया में नाम के लिए होगी डिग्री बी ए वगैरह डिग्री तो चाहिए ही हाँ। हाँ। तो अब सवाल ये उठता है कि और क्या किया जाए हाँ। क्योंकि पापा जी अब शॉप खोलेंगे फुटवेयर की तो उसमें हाथ बटाओ नहीं उसमें पैर बटाओ तो शादी के बारे में घर वाले क्या कहते हैं आपको मतलब आपके घर वाले आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं अभी या नहीं सोच रहे सर हैं? मम्मी पापा तो कहेंगे शादी के लिए लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा ना बीवी बच्चे पालने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए ये आपको किसने कह दिया क्योंकि आजकल जो बीवी होती है वो भी तो पढ़ी लिखी होती है हो सकता है वही वही पैसे कमा लेगी अगर नसीब ऐसा वो पढ़ मतलब जॉब वाली के लिए तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनको अभी मैं रिसेंटली एक फैक्ट्री में गया था आ, मेरे रिश्तेदार हैं तो उनके ही कनेक्शन में है वो फैक्ट्री तो मैं वहां पे गया वहां पे जो उनके ओनर थे वो उनके पापा ने शुरू करी थी फैक्ट्री बट अभी उनका बेटा बैठ रहा है जो कि उसको डिजिटल लेके जा रहा है पापा नीचे जो वर्कर्स हैं उनको संभाल रहे हैं क्योंकि हमसे वर्कर्स नहीं संभाले जाएंगे भाई वो, वो बीस दिन की छुट्टी लेके चले जाते हैं हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो ग्राउंड की जो रियलिटी है वो उनको ज्यादा पता है

फोटोग्राफर कौन है आ, आप, आप। मतलब भाई साहब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पिताजी फुटवेयर की दुकान खोलेंगे और पर मैं फोटो खींचूंगा फुटवेयर की है और आप मजे मारोगे जिंदगी के सारे आप कुछ नहीं करोगे मतलब सब मैं ही करूंगा सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा फोटोग्राफी सीखो वो आपको काम आएगी ऑनलाइन जो भी आप करने वाले उसमें उसके अलावा आपने कहा डॉक्टर बिंद्रा के जब आप सेशन देखते हो तो वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग भी आप फ्री में सीख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं क्योंकि वो भी जब ऑनलाइन आप कुछ करोगे तो उसमें काम आएगी तो इन अदर वर्ड्स आप सब कुछ ही सीख लो किसने कहा है कि सिर्फ फोटोग्राफी सीखनी है और आपको ये किसने कहा कि मेरे को सिर्फ फोटोग्राफी आती है ये गलत फहमी कहाँ से आ गई आपके अंदर आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको प्रॉपरली मिल गया है जी मिल गया बताओ क्या जवाब मिला है ये जो मिला मतलब मुझे क्या कहते हैं अपने जो पापा जी शॉप खोल रहे हैं उसे डिजिटल लेके जाना है आज की सिचुएशन के हिसाब से प्लीज हैव अ सीट लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम बैठो बैठो अच्छा यहां कहां आ गए क्या हुआ पैसे देने आए हो हाथ मिलाने आए हो <laughs> अरे पैर छूने आए हो अरे गले मिलने गले मिलने ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट मुझे लगा मारने आए हैं <laughs> <laughs> -ji, thank you so much thank you, sir. and thank you so much for coming